नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। वैक्सीन की दो कीमतों, कोविन ऐप सहित अन्य मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। कोविड अनाथ फंड, प्रशांत किशोर ने ली चुटकी, याद दिलाया शिक्षा का अधिकार। और आखिर में राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने के समय, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30-40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविड वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन पर पंजीकरण करना होता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे करते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप कहते रहते हैं कि स्थिति गतिशील है, लेकिन आपको वास्तविक स्थिति को देखना होगा। आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि भारत में डिजिटल साक्षरता पूर्ण रूप से बहुत दूर है। मैं ई समिति का अध्यक्ष हूँ, मैंने उन समस्याओं को देखा है जो इससे पीड़ित हैं। आपको लचीला होना होगा और आपको जमीनी हकीकत को समझने की ज़रूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि हम नीति नहीं बदल रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया जागे और कॉफ़ी को सूंघे और देखिए कि देश भर में क्या हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से टीके की दो कीमतों को लेकर सवाल किए हैं, मगर देश में आज भी 900 से 1200 रुपए तक के कोविड टीके लोग लगवा रहे हैं। पूर्व चुनाव रणनीति काल प्रशांत किशोर ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएमओ के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत है तो ऐसे समय में मोदी सरकार से वादे किए जा रही है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया दिखाती है जो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा। उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा, मोदी सरकार की ओर से एक और टिपिकल मास्टर स्ट्रोक। इस बार कोविड की वजह से तबाह हो चुके बच्चों के लिए नए तरीके से हमदर्दी और देखभाल को परिभाषित किया गया है। ये विनाशकारी है और चीज़ों को ठीक से हैंडल न कर पाना दिखाता है। पीएम केयर्स मदद की घोषणा वाली एक प्रेस रिलीज को हवाला देते हुए उन्होंने कटाक्ष किया है, बच्चों को अभी बहुत ज़रूरी सपोर्ट मिलने के बजाय इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उन्हें 18 साल की उम्र का हो जाने के बाद सरकार की ओर से स्टाइपेंड मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम केयर्स की ओर से दी जाने वाली इस मुफ्त शिक्षा के लिए आभारी रहें जो पहले से ही संविधान या शिक्षा के अधिकार की ओर से हर बच्चे को मिलना ज़रूरी है। राजद्रोह का आरोप कब लगाया जाए कब नहीं, इस पर लंबी चौड़ी बहस होती आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के दो न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राजद्रोह पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त है कि राजद्रोह की सीमा को परिभाषित किया जाए। दरअसल एबीएन आंध्र ज्योति और TV5 न्यूज़ पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इस FIR को रद्द कराने के लिए उन दोनों चैनलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यूज़ चैनलों की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ने यह तर्क दिया कि YSCRP के एक बागी सांसद के प्रेस स्टेटमेंट को पब्लिश करने की वजह से यह FIR दर्ज की गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने प्रथम दृष्टया से ये कहा है कि FIR मीडिया की आज़ादी को दबाने की कोशिश है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये वक्त है जब राजद्रोह की सीमा को परिभाषित किया जाए। सांसद रघु रामकृष्ण राजू को CID ने 15 मई को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। Facebook, Twitter और Instagram पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।
Thank you.